गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ इंग्लिश का एन एलियन हैंड में चैप्टर नंबर 9 पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है आ टाइगर इन द हाउस, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छी स्टोरी है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखोगे और लगा कैसा आप लोगों को देखने के बाद इसको ज़रूर बताओगे कमेंट करके। तथा यदि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट, वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रैंडफादर टाइगर को लखनऊ के जू में एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व करके जाते हैं, छोड़ाते हैं। 6 महीने के बाद वो क्या होते हैं, ग्रैंडफादर लखनऊ में अपने किसी रिलेटिव से जब मिलने जाते हैं तो फिर से उन्हें जो है टिमोदी, यानी जो टाइगर रहता है उसका नाम टिमोदी रहता है, उससे मिलने का मौका मिल जाता है। उसके बाद होता क्या है हम लोग वहीं से पढ़ेंगे, समझ में आए। देखिए बच्चों, हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है अराइविंग एट द जू, एट द जू देहरा तक हम लोगों ने पढ़ा था, समझ में आया। तो देख लीजिए लिखा है अराइविंग एट द जू, जू आकर ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोदी हैड बीन इंटर्ड। क्या था, पार्टिकुलर माने विशेष, खास। जू आकर ग्रैंडफादर डायरेक्ट सीधा, स्ट्रेट माने होता सीधा जो है उस केज के पास गए जिसमें टिमोदी को रखा गया था। ओके, हैड बीन इंटर द टाइगर वाज देयर, टाइगर उसमें था, वहां पर था। क्राउड इन अ कॉर्नर, एक कोने में क्या था, बैठा हुआ था सर झुकाए, फुल ग्राउन एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रेप्ड कोट, एकदम बहुत बड़ा, फुल ग्रोन बहुत बड़ा हो चुका था, एंड विद आ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट, और उसके बॉडी पर बहुत अच्छा जो है स्ट्राइप धारियाँ भी बन गई थी। स्ट्राइप्ड कोट माने धारीदार, माने बॉडी होना, जैसे कि मतलब टाइगर के शरीर पे होता उसी तरह से हो गया था। हेलो टिमोदी, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म टू थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और क्या हुआ, अपने हाथों को बार, यानी जो जाली होता है, बार का मतलब ऐसे, जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे मान लो जंगला होता है या जाली ना, ऐसे केज बनाया जाता है, तो यही जो लाइन खींचा गया है यही क्या होता है, बार कहा जाता है, समझ में आए। तो बार के अंदर अपने हाथ को करते हुए कहा ग्रैंडफादर ने, हेलो टिमोदी, द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स, टाइगर जो है बार्स को देखा, एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और क्या हुआ, और ग्रैंडफादर को ऐसा लगा कि जैसे कि वो अनुमति दे दिया हो कि अपने दोनों हाथों को जो है उसके हेड पिक के चारों तरफ क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, यानी फेर सकते हैं, रख सकते हैं। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, ग्रैंडफादर ने फोरहेड माने होता है माथा, टाइगर के माथे को क्या किया, मारा, यानी प्रहार किया, कैसे लोग प्यार से सहलाते हैं, मारते हैं, माथा आथा ठोकते हैं उसी तरह से, एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कानों को भी हिलाया, एंड व्हेन एवर ही ग्रोल्ड, और जब कभी वह चिल्लाता, ग्रोल्ड माने चिल्लाना यानी गुर्राने से मतलब है, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, तो क्या था, उसके मुंह पर मारते थे, स्मैक्ड माने धीरे से, प्यार से मारना धीरे से, विच वाज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, ये इनका पुराना तरीका था, ग्रैंडफादर का पुराना तरीका था टिमोदी यानी कि टाइगर को शांत करने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए यही बार है, इसी के अंदर ऐसे हाथ डालकर क्या था, इस क्या था, ग्रैंडफादर टाइगर यानी टिमोदी को सहला रहे थे, और यही जो धारी है वही क्या है, स्ट्रेप है। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स, लिख माने चाटना होता है, वो ग्रैंडफादर के हाथों को चाट रहा था, चाटा है, लिख माने चाटना, एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लीपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम,
स्प्रैंग माने उछलना कूदना, लेकिन सिर्फ क्या था, वो ग्रैंडफादर के हाथों को चाटता था और कूद कर वो तब बाहर जाता था, दूर चला जाता था, जब व्हेन अ लीपर्ड, जब एक लीपर्ड यानी एक तेंदुआ इन द नेक्स्ट केज, जो बगल के केज में था, अगले केज में था, स्नार्ल्ड एट हिम, उस पर गुर्राता था, यानी एक तेंदुआ बगल के केज में था, जब गुर्राता था तो डर कर दूर भाग जाता था, ग्रैंडफादर सूड द लीपर्ड अवे, ग्रैंडफादर लीपर्ड को डराकर भगाते थे, तो भगा देते थे, यानी ग्रैंडफादर जो है सूड माने भगाना, ओके डराकर भगाना, द लीपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और जब तेंदुआ भाग जाता था तो जो है टाइगर फिर से उनके हाथों को लिक करने आ जाता था, बट एवरी नाउ एंड देन द लीपर्ड वुड रश एट द बार्स इन, जब तब क्या था, हमेशा तेंदुआ उसके ऊपर दौड़ रहा था, बार के पास दौड़ रहा था, यानी डरा रहा था टाइगर को एट द बार्स, एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और इसलिए वो डर कर क्या हो जाता था, आवाज़ करते हुए, सॉरी बिना आवाज़ करते हुए वो भाग जाता था कोने में। टाइगर, अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुल्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आवर ग्रैंडफादर व्हाट ही वॉज डूइंग। अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, गैदर माने इकट्ठा होना, टू वॉच देखने के लिए, द रीयूनियन, रीयूनियन माने पुनर्मिलन, यूनियन वे पुनर्मिलन क्या हुआ, बहुत भारी संख्या में उनके पुनर्मिलन को देखने के लिए जूमे लोग इकट्ठा हो गए थे, व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, तब तक क्या हुआ, एक जो कीपर था यानी जो केज का रखवाला था, वो क्या हुआ, भीड़ में लोगों को खेलते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आया, एंड आवर ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और ग्रैंडफादर से पूछा वो जो कर रहे थे, हैं क्या ये आप क्या कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, उस कीपर ने जब पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तब ग्रैंडफादर ने कहा मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, और क्या, वरंट यू हियर व्हेन आई गिव यू गेव हिम टू द 6 months ago, तुम यहाँ नहीं थे क्या, जब मैंने इसको जो है 6 महीने पहले जू को दिया था, मैं अभी 6 महीने पहले तो जू में इसको छोड़ कर गया था, ओके 6 months ago, एगो माने पहले, आई हैवेंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज्ड कीपर, और आश्चर्य में कीपर ने कहा मैं बहुत लंबे समय से यहाँ नहीं था, प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, ठीक है आप अपनी बातचीत जारी रखें, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड माने खराब मिजाज का, यानी दुष्ट, यानी लेकिन मैं प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन माने बातचीत, कृपया अपनी बातचीत आप जारी रखिए, सेड द सरप्राइज्ड कीपर, आश्चर्य में उस कीपर ने कहा, और क्या कहा, एबल टू टच हिम माई सेल्फ ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर, ये बहुत बैड टेम्पर का, मेरे पास तो हिम्मत नहीं है कि मैं इसे टच करूँ, वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर, तब तक ग्रैंडफादर ने सलाह दिया, सजेस्ट माने सलाह देना कि आखिर में तुम टिमोथी को क्यों दूसरे जगह पर नहीं रख देते, समथिंग एल्स ना, दैट लिपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, ये जो लिपर्ड है बगल के केज में ये क्या कर रहा है, टिमोथी को डरा रहा है, आई विल गो एंड सी द सुप्रिंटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाऊंगा और सुप्रिंटेंडेंट से इसके बारे हैं, सुप्रिंटेंडेंट यानी पुलिस अधीक्षक से इसके बारे में बात करूंगा कि आप जो है टिमोथी को दूसरे केज में शिफ्ट कर दीजिए, सुप्रिंटेंडेंट यानी अधीक्षक। अगला है, ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द जू, ग्रैंडफादर जो है जू के सुप्रिंटेंडेंट को खोजने गए, बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन उन्हें पता चला कि जो सुप्रिंटेंडेंट था जू का वो घर जल्दी चले गए थे, एंड सो और इसलिए आफ्टर वांडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ देर तक जो है घूम जू में टहलते हुए, वांडर माने टहलना भटकना बिना उद्देश्य के टहलना, हाँ जू में कुछ देर टहलने के बाद ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, वो फिर से टिमोथी के केज के पास आए, हैं यानी थोड़ा सा जू को उन्होंने देखा, उसके बाद फिर से टिमोथी के केज के पास आए और उसे गुड बाय बोलने लगे, अलविदा कहने लगे, इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क, क्यों, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा था, डार्क माने अंधेरा, ही हैड बीन स्टोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट्स, जब वो
गुड बाय बोलने के लिए आए, तो इस बार जो है लगभग 5 मिनट तक टिमोथी को वो क्या करते रहे, सहलाते रहे, नहीं मारते रहे, ओके, यानी प्यार से, व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म, तब तक उन्हें देखा कि एक दूसरा कीपर था जो उन्हें देख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई चेतावनी दे रहा हो, अलार्म माने चेतावनी, सम अलार्म, ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, लेकिन ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज माने होता पहचानना, ग्रैंडफादर ने क्या किया, उस आदमी को पहचान लिया, उस कीपर को, क्यों, क्योंकि हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, जब टिमोथी को पहली बार जू लाया गया था तो वो कीपर वहीं पर था, इसलिए जो है ग्रैंडफादर ने कीपर को पहचान लिया, ओके, यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा तुम मुझे याद है ना, तुम मुझे याद हो ना, मतलब यू रिमेंबर मी, मुझे तो याद ही होगा, मतलब तुम मुझे याद ही करते होगे, यानी है मैं याद ही होऊंगा तुमको, सेड ग्रैंडफादर, नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू एन अदर केस अवे फ्रॉम दिस स्टपिडली पर्ड, आखिर में क्यों नहीं जो है टिमोथी को दूसरे केज में ट्रांसफर कर देते हो इस दुष्ट स्टपिड लीपर्ड से दूर, ओके, यानी ये जो है स्टपिड लीपर्ड, दुष्ट लीपर्ड क्या कर रहा है, टिमोथी को परेशान कर रहा है, इससे दूसरे केज में क्यों नहीं आखिर में हैं टिमोथी को ट्रांसफर कर देते, ट्रांसफर माने स्थानांतरण, ओके, बट सर स्टैमर्ड द कीपर, स्टैमर्ड माने होता है हकलाना, हकलाते हुए अस्पष्ट रूप से बोलना, लेकिन जैसे ही क्या हुआ हैं, ग्रैंडफादर ने कहा कि टिमोथी को दूसरे केज में रख कर दो, तो उसने कहा कीपर ने, बट सर लेकिन सर इट्स नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है, आई नो मैं जानता हूँ सर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मुझे भी पता है कि ये बहुत लंबे समय से अब मेरा नहीं है, बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और टू फॉर मी हाँ फ्रॉम मी, लेकिन कम से कम एक या दो राय तो मेरी ले ही सकते हो, मैं जानता हूँ कि अब ये बहुत लंबे समय से मेरा टाइगर नहीं रह गया, अब जू का हो गया है, लेकिन कम से कम आप एक दो सजेशन तो ले ही सकते हो, मान ही सकते हो, सजेशन सुझाव सलाह, ओके ओके, आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर, कीपर ने कहा मुझे आपका जो टाइगर था बहुत अच्छे तरीके से याद है, ही डाइड 2 मंथ्स एगो, लेकिन वो टाइगर क्या था 2 महीने पहले ही मर गया, किसने कहा, कीपर ने, यानी टिमोथी की डेथ है 2 महीने पहले ही हो गई, आप 6 महीने पहले छोड़ कर गए थे और आप आज से 2 महीने पहले टिमोथी मर गया, डाइड एक्सलैंड ग्रैंडफादर, मर गया, एक्सलैंड आश्चर्य में डा ग्रैंडफादर के मुँह से निकला, ओके, यस सर ऑफ न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया की स्पेलिंग है, पी साइलेंट है, हाँ सर उसे न्यूमोनिया हो गया था, दिस टाइगर वाज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज वेरी डेंजरस, डेंजरस माने खतरनाक, ट्रैप माने जाल में फंसा कर लाना, और ये जो टाइगर आप देख रहे हैं ये पिछले महीने क्या था पहाड़ों से पकड़ कर जाल में फंसा कर लाया गया है, और ये जो है बहुत ही खतरनाक है, ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब ये बात सुनकर उनके मन में कुछ आ ही नहीं रहा था कि वो कहें क्या, कुछ सोच ही नहीं सकते थे, ओके, द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, अभी भी टाइगर उनके हाथों को क्या कर रहा था हैं चाट रहा था, ओके, आंसर आएगा लिखने के लिए विद इंक्रीजिंग रेलिस हैं, जिससे कि क्या था रेलिस बढ़ रहा था, यानी स्वाद बढ़ रहा था, रेलिस माने स्वाद, यानी जितने स्वाद बढ़ रहा था उतने वो चाट रहा था टाइगर, अभी आंसर आएगा निकट, ग्रैंडफादर टूक व्हाट ही सेम टू हिम एंड एज टू विड्रा हिज हैंड फ्रॉम द केज, क्या हुआ ग्रैंडफादर टूक व्हाट सेम टू हिम, तब तक क्या किया जो उन्हें प्रतीत हुआ ग्रैंडफादर को उन्होंने वही किया, एंड एज एक एज के अनुसार यानी उम्र के साथ टू विड्रा हिज हैंड उन्होंने क्या किया अपने हाथों को निकाल लिया फ्रॉम द केज हैं केज से, ओके, कहानी मतलब क्या था ग्रैंड जो टाइगर था वो ग्रैंड
वो जो टाइगर था वो अभी 2 महीने पहले क्या था, सॉरी 1 महीने पहले क्या था, जाल में फंसा कर लाया गया था पहाड़ों से, फिर भी वो ग्रैंडफादर के हाथों को क्यों चाट रहा था? आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। जो टाइगर था ग्रैंडफादर के हाथों को अभी भी क्यों चाट रहा था, जबकि वो ग्रैंडफादर का टाइगर नहीं था? इसका आंसर आप लोग जरूर रिप्लाई करिएगा कमेंट करके। ओके, टू हिम एज टू विदड्रा हिज हैंड फ्रॉम द केज, ग्रैंडफादर ने अपने हाथों को केज से निकाल लिया। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही ममल्ड, ओके, ममल्ड माने होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, अस्पष्ट रूप से बोलना। क्या था? विद हिज फेस नियर द टाइगर्स, अपना फेस, अपना चेहरा टाइगर के नज़दीक करते हुए उन्होंने धीरे से बोला गुड नाइट टिमोदी, गुड नाइट टिमोदी, उन्होंने कहा शुभ रात्रि टिमोदी। एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, और कीपर को ऐसे देखा तिरस्कार पूर्वक, स्कॉर्नफुल लुक माने तिरस्कार पूर्वक देखना या घृणा पूर्वक देखना। वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और वो गर्मजोशी से तेजी से क्या हुआ, जू से बाहर चले गए, निकल आए ग्रैंड फादर। ओके, रस्किन बॉन्ड ने लिखा स्लाइटली अपराइज्ड, ये क्या हुआ है, संग्रहित किया गया है किसी स्टोरी से, इनका ही बहुत बड़ा, ये पूरी स्टोरी शॉर्टकट में थी, हैं शॉर्टकट में थी, इससे ये स्टोरी और भी बड़ा है जिसमें से इसको लिया गया है, काट कर संग्रहित किया गया है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।